अन्यासा रोबन जय रुमन राजीव कुमार इंदिदा। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल 1, ठीक है, और कोरियन का लेवल 3 का जो ये पैटर्न है वो, ठीक है, ग्रामर, कोरियन में ग्रामर को पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पैटर्न लिखा हुआ है। और आज का ग्रामर है हु, ठीक है, हु। ये कहता है दिस इज ए कंजुकेटिव विच शोज लेटर एक्शन, ठीक है, लेटर एक्शन मीन्स बाद वाला एक्शन, बाद में जो आप काम करते हैं, ठीक है, एक्शन। फॉलोइंग फॉलोइंग द फॉर्मर एक्शन, ठीक है, पहले वाले एक्शन को फॉलो करके जो बाद में करते हैं उसको, उस तरह के वाक्य, उस तरह के चीजों को हम हु लगाकर बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इसका मतलब हो जाएगा आफ्टर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर, ठीक है, मतलब बाद, हिंदी में बाद, ठीक है। चलिए आइए अब कुछ शब्द लेते हैं, वाक्य लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं, पहले इंग्लिश में, इसको मैं हिंदी में भी बोल दूंगा, ठीक है, ठीक है, ये इंग्लिश में है, कोरियन में है, हिंदी में बोलूंगा, है ना। पहले रीड कर देता हूँ इंग्लिश में, उसके बाद इसका मीनिंग आपको हिंदी में बोल दूंगा। जैसे है, कह रहा है आफ्टर क्रा फिलियो एपियर फेल, ये है, ये कह रहा है कि कौवा जैसे ही उड़ा, उड़ने के बाद ही उसका जो मुंह में उसने रोटी रखा था, कुछ भी रखा था, वो गिर गया, ठीक है, मतलब पहला एक्शन हुआ, उसके बाद दूसरा एक्शन, ठीक है, उसके बीच में हमको आफ्टर लगाना है, हु लगाना है, हु, ठीक है। तो यहाँ पे कामा कुई मतलब होता है कराओ, ठीक है, कामा कुई मतलब हुआ कराओ, कराओ मतलब होता है कौवा, ठीक है, कामा कुईगा, कुईगा क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट का पार्टिकल देना जरूरी है, ठीक है, पहले क्लाउज में, पहले एक्शन में। तो क्यों गा लगा, क्योंकि ये वावेल है अंत में, इसीलिए गा लगा, ठीक है। नान हु, नान, नान मतलब हुआ फिलू, उड़ने के बाद, हुए हुए आफ्टर, है ना, आफ्टर, ये वाला आफ्टर, ठीक है, आफ्टर। वेगा वेगा तोड़ो चियोता, वे पियर को बोलते हैं, वे पियर्स, नाशपाती है ना, नाशपाती, ठीक है, रोटी बोलिए, नाशपाती बोलिए, कुछ भी है ना, मुंह में लिया था वो गिर गया। तो इस वाले वाक्य में, इस वाले वाक्य में, है ना, इस वाले वाक्य में पियर जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है, इसीलिए इसके साथ गाल क्यों लगा, क्योंकि लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो वॉवेल है, ठीक है। तोरो जियोता मतलब होता है फेल डाउन, है ना, गिरना गिरना, समझ गए बात। आइए अब दूसरा वाक्य लेते हैं, आफ्टर वेकेशन बिगन, ठीक है, आफ्टर वेकेशन बिगन, जैसे ही छुट्टी की शुरुआत हुई, स्टूडेंट्स बिगन टू गो बैक टू देयर होम टाउन, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो अपने घर को जाने लगे, ठीक है, स्टूडेंट बिगन टू गो बैक टू देयर होम टाउन, ठीक है। आइए अब ये कह रहा है आफ्टर वेकेशन मतलब बांग हागी, बांग हाक मतलब होता है वेकेशन, क्या होता है, छुट्टी, छुट्टी, ठीक है,
वैकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यही है, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट का पार्टिकल लगा ई। क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे हाक है और कॉज है कॉन्सोनेंट, इसीलिए। ठीक है, सिजाक द्वंद, सिजाक मतलब होता है स्टार्ट, बिगेन बोलिए या स्टार्ट बोलिए, है ना, वही है। द्वैन, द्वैन मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। नौ वाला शब्द जहां भी लगा वो पास्ट टेंस, मतलब बिगेन, बिगिन नहीं है, बिगेन है ना। हुए, हुए, आफ्टर, हुए, आफ्टर। स्टूडेंट, हक्संगल, और यहाँ पे अन लगा। क्यों? इसलिए लगा यहाँ पे बहुवचन है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे बा लास्ट में कॉन्सोनेंट था, इसीलिए अन लगा। तो ये हो गया हक्सेंगरन। कोई आंगे किधर, टू देयर होम टाउन, कोई आंगे खागी, खागी मतलब खागी, गो बैक, सिजा खेता, स्टार्टेड बिगेन, है ना, सिजा खेता। समझ गए? तो बांग हागी सिजाक द्वन, हुए हक्सेंगरन, कोहियांगे खागी सिजाक खेता। आइए अब हम लोग तीसरा वाक्य लेते हैं। कहता है आफ्टर द सनसेट, जैसे ही सूर्यास्त हुआ, डार्कनेस कवर्ड, वैसे ही अंधेरा अंधेरा छा गया। ठीक है, तो जैसे मतलब सूर्यास्त होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद है ना, अंधेरा छा गया, तो क्या लिखना है? हे मतलब होता है सन, हे मतलब सन। और गा यहाँ पे लगा क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट है सन है, इसीलिए उसका पार्टिकल देना है। और क्यों देना है गा? क्योंकि यहाँ पे हे जो है, ए जो है भावेल है, इसीलिए गा लगना है पार्टिकल में। जिन, जिन मतलब होता है सेट, सनसेट मतलब सूर्यास्त होना। ठीक है, जिन हु मतलब आफ्टर, है ना, हु। डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब हुआ ओदुम। ठीक है, ओदुम मतलब होता है डार्कनेस। यहाँ पे ई इसलिए लगा क्योंकि डार्कनेस जो है इस वाले क्लाउज में सब्जेक्ट है, इसीलिए ई पैटर्न लगा। ई पार्टिकल लगा। ठीक है, औदुमी, तो दो एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा औदुमी। उसके बाद है कवर, कवर में काल्योप ता, कल्योता, कल्योता, ओके, कल्योता। आइए अब लेते हैं चौथा सेंटेंस। आफ्टर ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज होम टाउन। ठीक है, जय होते, पत्र पाने के बाद जो उसके होम टाउन से आया था, ही रीड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसको बार बार पढ़ा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे कोरियन में? ठीक है, कोहियांगे सो, कहाँ से आया था? होम टाउन से, होम टाउन से। ठीक है, कोहियांगे सो फ्योंजिरल, ऑब्जेक्ट है पत्र, तो यहाँ पे रल लगा है ऑब्जेक्ट पार्टिकल। ये क्या है? ऑब्जेक्ट पार्टिकल, ये जो रल है, रल। ठीक है, और फ्योंजी मतलब होता है लेटर, पत्र। ठीक है, चिट्ठी है ना। और यहाँ पे हो गया फादनन, फादन, फादन, फादन नहीं है, फादन मतलब रिसीव, मतलब प्राप्त किया। हु मतलब के बाद,
मियत, ये हो गया मियत। पोनीना मतलब बार, बार पोनीना, मियत पोनीना। इल्गो संविदा, इल्गो संविदा, ठीक है, इल्गो संविदा। टू रीड, ठीक है। आइए अब पांचवा पढ़ते हैं। पांचवा क्या है? पांचवा है आफ्टर ही हर्ड द न्यूज, है ना, न्यूज सुनने के बाद, सुनने के बाद ही वाज टू हैप्पी, वह बहुत खुश था, ठीक है। न्यूज सुनने के बाद वह बहुत खुश था, तो हो जाएगा खू टू सो सिगल दलन हो, ठीक है। खू सो सिगल, दल मीन्स होता है लिसन, हर्ड, है ना, हर्ड। और सोसिक मीन्स होता है न्यूज, और यहाँ पे अल इसलिए लगा है क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, न्यूज जो है ऑब्जेक्ट है, और ही यहाँ पे तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है, ठीक है। हु मतलब के बाद, के बाद। हुनन भी, हुनन यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट ही है, इस क्लाउड सब्जेक्ट ही है। नोमो, नोमी किप्पोहेता, किप्पोहेता मतलब होता है, किप्पोता मीन्स होता है हैप्पी, हैप्पी। आइए अब अंतिम वाक्य देखते हैं, छठा सेंटेंस है, ठीक है। आफ्टर द प्ले वाज ओवर, खेल खत्म होने के बाद, एवरीवन क्लैप्ड, सभी ने ताली बजाई, है ना, सभी ने ताली बजाई, है ना। प्ले, प्ले को यौन गुगी भी बोलते हैं, यौन गुगी, यौनगुक बोलते हैं, बट यहाँ पे ये इसलिए लगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, प्ले सब्जेक्ट है इस वाले वाक्य में, तो ये दूसरा वाक्य है ना, तो गी ई लगा। ई क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ये गौ कॉन्सोनेंट, इसलिए यौनगुगी उनान हुए। उनान मतलब उन्नदा मतलब ओवर होता है, ठीक है, तो उनान हुए आफ्टर के बाद, के बाद। मोदन, मोदन मतलब एवरीवन, मोदन मतलब एवरीवन। छंगचुंगदरी, छंगचुंगदरी मतलब एवरीवन, जो दर्शक है। फाक्सुरल छिपता, क्लैप, फाक्सुरल मीन्स, फाक्सु मीन्स क्लैप्ड, रल यहाँ पे लगा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए छिपता मतलब बजाए, बजाए। आशा करता हूँ आपको ये जो है सब पैटर्न समझ आया होगा, ग्रामर समझ आया होगा, कैसे हम यूज करते हैं कोरियन वाक्य बनाने में, कोरियन में बोलने में किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, होगा ग्रामर, ग्रामर है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर हम पिछले क्लास में दिए थे, हमारा नंबर है ऑफिशियल नंबर, समझिए आप पर्सनल समय सब यही है, 8860937465, और मेरा नाम राजीव कुमार है, ठीक है। आप इस नंबर पर संपर्क करके हमसे पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अन्य कैसे हो, हम निदा हम शोभे में नमस्कार।